नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शायका। कानपुर शूटआउट के दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को आखिर पुलिस ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया है। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़े ही आसानी से खुद ही स्थानीय मीडिया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सवाल ये है कि जिस दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को पांच राज्य की पुलिस ढूंढ रही थी, वो विकास दुबे पुलिस को चकमा देते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर तक कैसे पहुंच गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग दावे हैं। आखिर क्या है विकास दुबे के सरेंडर और गिरफ्तारी की पूरी मिस्ट्री। जैसे अंदर प्रवेश किया तो जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी वाले हमारे जवान हैं, उन लोगों ने हमारे महाकाल चौकी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को सूचित किया। गुरुवार सुबह ही विकास दुबे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा और सुबह 9:55 पर विकास दुबे ने मंदिर के सामने अपना नाम चिल्लाया। मौके पर स्थानीय मीडिया को भी बुला लिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर अपना नाम चिल्लाया। ऐसे निर्गम द्वार पे आया, उन लोगों से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उस पे इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। उसके बाद जब उसको संदेह हुआ तो इन लोगों ने उसे गंभीरता से पूछताछ किया, तो बाद में इसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। फिर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। बताया जा रहा है कि उसने खुद ही स्थानीय मीडिया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद भी विकास पर कोई असर नहीं दिखा और मीडिया के सामने चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। जब पुलिस विकास दुबे को पकड़कर महाकाल थाने ले जा रही थी, तब विकास दुबे लगातार मीडिया से बात कर रहा था। इसी दौरान वो चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। इस दौरान साथ में पुलिस वालों ने उसे चुप कराया और तुरंत गाड़ी में बिठा दिया। विकास दुबे 2 जुलाई की रात कानपुर गोलीकांड के बाद से ही फरार था। 7 दिनों तक विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम दिन रात लगी थी। कुल 40 टीम गठित की गई थी विकास दुबे को पकड़ने के लिए, लेकिन इसके बावजूद विकास दुबे उज्जैन पहुंच गया। यूपी पुलिस प्रदेश के सबसे इनामी अपराधी को पकड़ने में नाकाम साबित हुई। यूपी पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी वह शिकंजे में नहीं आया। गुरुवार सुबह विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 2 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मी के शूटआउट पर कई खुलासे किए। विकास दुबे ने कहा कि पुलिस वालों के शव पर तेल छिड़ककर आग लगाना चाहता था, जिससे सारे सबूत नष्ट हो जाए, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया और फरार हो गया। विकास दुबे ने पूछताछ में यह भी बताया कि चौबेपुर थाना ही नहीं, पास के थानों में भी उसके मददगार थे जो उनकी मदद करते थे। विकास ने कहा, लॉकडाउन के दौरान चौबेपुर थाने के तमाम पुलिस वालों का मैंने बहुत ख्याल रखा, सबको खाना पीना खिलाना और दूसरी मदद भी करता था। इसी बीच खबर है कि उज्जैन पुलिस ने लखनऊ के 2 वकीलों को भी हिरासत में ले लिया है। ये अपनी निजी गाड़ी से वहां पहुंचे थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा उज्जैन में विकास को ठिकाना देने वाला एक शराबी कारोबारी, उसका मैनेजर और 2 अन्य लोग हिरासत में ले लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कानपुर गोलीकांड के बाद ही विकास दुबे फरार हो गया था। तब से पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी, जिसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में उसकी एक झलक दिखी थी। फरीदाबाद के एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे को देखा गया था, लेकिन वो वहां से भी फरार हो गया। छापे में उसके गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए थे। सवाल ये है, आखिर इतनी चेकिंग के बावजूद विकास दुबे एक राज्य से दूसरे राज्य में बेखौफ होकर कैसे भ्रमण करता रहा। विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस देश के कई राज्यों में खाक छान रही थी। 2 दिन पहले वो फरीदाबाद में दिखा था, वहीं यूपी पुलिस के संपर्क में आने के बाद एमपी पुलिस भी अलर्ट पर थी। उसके बाद भी विकास दुबे ने सभी दावों की हवा निकाल दी। उज्जैन पुलिस भले ही दावा करे कि विकास को उसने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि विकास दुबे ने खुद ही अपनी पहचान बताई थी। फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचने के लिए उसने 750 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विकास सड़क मार्ग के जरिए ही उज्जैन पहुंचा है। ऐसे में सवाल यह है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही थी, किसी को भनक क्यों नहीं लगी।
गिरफ्तारी का जो वीडियो सामने आया है उस पर भी लोगों ने सवाल किए हैं। गिरफ्तारी के दौरान विकास दुबे की जो बॉडी लैंग्वेज है उसे लग ही नहीं रहा था कि उसे गिरफ्तार किया गया है। लोगों का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान विकास दुबे बहुत आराम से चल रहा था, उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई खौफ नहीं नज़र आ रहा था। महाकाल मंदिर में गिरफ्तारी से पहले विकास दुबे ने मंदिर परिसर में फ़ोटो भी खिंचवाई। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिसके पीछे कई राज्यों की पुलिस लगी हो वह इस तरह इतने आराम से कैसे टहल सकता है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। विकास दुबे को डर था कि वह एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। उसके 5 गुर्गे को भी अलग अलग एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी वजह से विकास दुबे ने सरेंडर के लिए मंदिर को चुना। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के साथ ही सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। एक और पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है तो वहीं विपक्षी दल इसे फिक्स्ड सरेंडर कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने जहां उज्जैन पुलिस को शाबाशी दी, वहीं कांग्रेस ने गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। कहा यह शरण है या सरेंडर, मामले की जांच हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वह पूरी तरह से फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिलीभगत की भी ओर इशारा करता है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की CDR सार्वजनिक करे जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। कानपुर शूटआउट में शहीद हुए CO देवेंद्र मिश्रा के परिजनों ने भी विकास दुबे की नाटकीय गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। CO के रिश्तेदार कमल कांत ने कहा, कई अपराधी जेल से बादशाह चला रहे हैं। 12 घंटे पहले विकास फरीदाबाद में था और तुरंत वह उज्जैन पहुंच गया। सुनियोजित तरीके से उसका समर्पण कराया गया। कौन सी पुलिस गिरफ्तारी के लिए मीडिया को लेकर जाती है।